आज हम Moto G4 Play के बारे में बात करेंगे। ये मैंने रिसेंटली Amazon से बाय किया है। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ Amazon पर ही अवेलेबल है। मैंने 4 दिन पहले ऑर्डर किया था, मेरी सिटी मेन सिटी नहीं है इसलिए इसको 4 दिन लगे, अदरवाइज ये आपको सेकेंड डे भी डिलीवरी मिल सकती है और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको सेकेंड डे भी Amazon से डायरेक्टली मिल जाएगा, सेम डे डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। और ये मैंने 8999 मतलब कि 9000 रुपीज में बाय किया है। इसकी पैकिंग काफी अच्छे से की हुई है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स को पहले हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास में मोबाइल है। मोबाइल बहुत ही लाइट वेट है और ये Moto G का काफी दिनों बाद Motorola का जो जब से लिनोवो ने लिया है इसके बाद में ये पहला मोबाइल है जिसके अंदर में एक्सटर्नल बैटरी है। अदरवाइज इसके अंदर अब तक इंटरनल इनबिल्ट बैटरी आती थी जो कि रिमूवेबल नहीं थी, लेकिन ये इसमें एक्सटर्नल है और ये फिर भी वाटरप्रूफ है कम्प्लीटली। सो चलिए पहले हम हैंडसेट को अलग रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या एसेसरीज हमें मिली है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एयरफोन्स। एयरफोन्स सेम ही है जो कि Moto G के साथ में आते हैं, बाकी सभी मॉडल्स के साथ में आते हैं। इसके अंदर में साउंड जो है बहुत अच्छा नहीं आता है क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी, मैं काफी टाइम से Moto G का फैन हूँ। मैं Motorola के काफी फोन्स मैंने यूज किए हैं। पहले Moto G का जो फर्स्ट मोबाइल था वो भी मैंने काफी यूज किया है और ये कि फोर्थ जनरेशन मेरे पास में है और अभी मैंने प्ले ऑर्डर किया है। और आप ये देखेंगे इसमें अगर आप बहुत ज्यादा साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको दूसरा कोई अच्छा लेना पड़ेगा। इसमें साउंड बहुत अच्छा नहीं आता है। ये इसकी डाटा केबल है जो करीब 1 मीटर लॉन्ग है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें है ये चार्जर है। Motorola का दावा है कि ये 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर में ही आपको 4 से 5 घंटे की चार्जिंग देती है जो कि रियली में करता है, क्योंकि मेरे पास में ये जो 4G है, फोर्थ जनरेशन है, ये विद इन हाफ एन आवर में कंप्लीट चार्ज हो जाता है और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। तो आई होप कि Moto G 4 Play में भी सेम काम करेगा और बहुत जल्दी से ये चार्ज होगा। उसके बाद इसको भी हम साइड में रखते हैं और ये देखते हैं बैटरी। आप यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी काफी बड़ी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं। इसका मॉडल नंबर है GK40 और ये 2800 mAh की बैटरी है। लियोन की बनी हुई है तो ये काफी पावरफुल होगी। हमें अगर पांच इंच का HD फोन है तो इसको प्ले करने के लिए, इसमें इंटरनेट और गेमिंग के लिए हमें काफी बैटरी बैकअप चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये काफी है। बाकी इसके साथ में काफी पेपर्स हैं जो कि आपको नॉर्मली एंड्रॉयड और उसके पॉलिसीज के बारे में बताती है। इसके साथ में 1 ईयर की वारंटी होती है और इसको हम बाद में इनबिल्ट करेंगे। फ्रेंड ये बॉक्स है, बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें ये 5 इंच HD डिस्प्ले है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2 कैमराज हैं। जो बैक कैमरा है वो है 8MP और फ्रंट कैमरा जो है वो है 5MP। लेकिन इसमें जो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, HD वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये 16GB स्टोरेज इसकी इंटरनल है जिसे कि आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सटर्नल माइक्रो HD यूज करते हुए, और 2GB इसकी मेमोरी है। और इसके साथ में मैंने आपको पहले बता दिया है 2800 mAh की बैटरी है और इसके लिए 2 कैमरा है, 8MP और 5MP सेल्फी कैमरा है। और इसके अंदर में जो एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो है लेटेस्ट 6.0.1 मार्शल जिसे आप बोलेंगे, और इसे आप माइक्रो SDBs में ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए हम इसमें पहले ओपन करते हैं। मैं इसका फ्रंट, ये जो इसके ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, इसको हटा देते हैं हम लोग और इसके अंदर में बैटरी को इंस्टॉल करते हैं। ये लाइट वेट काफी लग रहा है, काफी स्मूथ है और देखिए यहाँ से काफी स्लिम है। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल स्लिम, बहुत ही अच्छा लग रहा है हाथ में। एक्चुअली मैंने सोनी का एक्सपीरिया भी मेरे पास में था जो कि 6 इंच डिवाइस था। एक्चुअली 6 इंच डिवाइस को हैंडल करने में काफी ऑकवर्ड सा लगता है, इवन 5.5 भी बहुत ऑकवर्ड लगता है। 5 इंच मुझे लग रहा है मोबाइल बिल्कुल सही होता है और इसमें आप आसानी से आप गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली प्ले होता है। तो मुझे लग रहा है 5 इंच डिस्प्ले इनफ होता है। चलिए
हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टिकर भी दिया हुआ है इसको निकालने के लिए। बैक एंड एज काफी टाइट लगा हुआ है और यहाँ पर आप स्लॉट देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये है माइक्रो एसडी और सिम के लिए अलग अलग कार्ड है। LTE 4G इसमें आप रिलायंस जियो को भी यूज कर सकते हैं इमीडिएटली। तो हम यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल करते हैं, सिम को हम बाद में इंस्टॉल करेंगे और स्टिकर जो ये साथ में लगा हुआ है इसको भी हटा देते हैं। इसको आप पैक करते हैं। इसका जो वेट है वो है 140 ग्राम और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा लग रहा है हाथ में। मुझे फीलिंग है जो इसकी जो गोरिल्ला ग्लासेस हैं जो कि 3 ग्लासेस हैं जो कि बहुत ही स्मूथ है। और चलिए इसको हम ऑन करते हैं सबसे फर्स्ट टाइम। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका मोटो का लोगो आ गया है, एंड्रॉइड लिनोवो का आप लोगो देख सकते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोटो का फिर से आ रहा है लोगो और ये स्टार्टअप जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये बिल्कुल स्टार्टअप आ गया है, इसमें भी कोई सिम नहीं है, बहुत ही स्मूथ है यहाँ पर ये देखिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये मैंने नाइट में इसकी बैक कैमरा से फोटो लिया था जो कि बहुत ही स्मूथ आ रहा है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये देखिए। और ये फोटो मैंने सेल्फी की तरह लिया था फ्रंट कैमरा से, सेल्फी वाले कैमरा से, तो ये मुझे लग रहा है बहुत ही स्मूथ फोटो आया है, बहुत ही अच्छा फोटो आया है। वीडियो क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, स्मूथ आप देख पा रहे हैं। और इसके अंदर जो इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है जो कि बाय डिफॉल्ट आती हैं, सिर्फ वही हैं। इसके साथ में सिर्फ एक मोटो का एक है, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप इसको देखिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन है इसका, बहुत ही स्मूथ है। और यहाँ पर ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है जो कि आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेटिंग में आप जा सकते हैं और अबाउट द फोन इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए जो इसके अभी जो एंड्रॉइड वर्जन है 6.0.1 इसका एंड्रॉइड वर्जन है। सो मुझे ये डिवाइस बहुत ही पसंद आया है, होपफुली आप भी इसको लाइक करोगे। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर रिप्लाइज।